मेरा नाम नितिन कुमार है, वार्ड नंबर 205 में स्वच्छता कर्मचारी हूँ। और यहाँ पे आई पे झाड़ू लगाते वक्त हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत सी बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। हमारे अंग को बहुत नुकसान पहुँचाती है धूल, और जैसे प्रदूषण है गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, इनसे बहुत शरीर में बहुत वो होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है शरीर में, कुछ भी हो सकता है, बीमारी है कुछ भी हो सकता है, इसमें बीमारी का कुछ पता नहीं लगता। इसलिए इससे बचने के लिए हमें चेहरे पे मास्क वास्क लगाना चाहिए, और जी कूड़ा उठाते वक्त हाथों में ग्लव्स ये भी हमें पहनना चाहिए, आँख पे चश्मा या कुछ भी ले सकते हैं उसमें लगा सकते हैं। मेरा नाम राजपाल है, मैं वार्ड नंबर 205 का सफाई कर्मचारी हूँ। हमें रोड पर धूल मिट्टी का काम करते हैं, झाड़ू लगाते समय धूल ज़्यादा उड़ती है, और इससे हमें परेशानी होती है, गले में दिक्कत भी हो जाती है, और कई सारी समस्याओं के कारण हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। और जैसे हमें मास्क हो गया और हमारे औजार हो गए, जूते, और ये हमें टाइम से नहीं मिल पाते हैं, ग्लव्स टाइम से नहीं मिल पाते हैं, ये हमें टाइम से मिलें तो हमारे जैसे सफाई कर्मचारियों का बहुत फ़ायदा होगा इससे। मेरा नाम सुमन है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, सफाई करती हूँ, रोड पर झाड़ू लगाती हूँ, मिट्टी उड़ती है, अब मिट्टी उड़ने से धूल मिट्टी से दिक्कतें तो होती हैं ही, शरीर में परेशानी भी होती है, नई नई तरह की बीमारी भी बनती है। मतलब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमने मास्क लगा लिया या कोई और सावधानी हमारे लिए होनी चाहिए, जो हमें कोई बीमारी नहीं बने आगे के लिए, कोई परेशानी नहीं हो। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे हम ठीक रहें, हमारे बच्चे ठीक रहें।